तो आखिरकार एल्विस यादव अपने फ्रेंड लक्ष्य अर्चित के ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो गए? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि कटारिया शिवानी से मिलने उनके घर गए थे, तो वहां पर लक्ष्य अर्चित शिवानी कुमारी से माफी मांगते हैं अपनी एक वीडियो को लेकर, जिसमें उन्होंने शिवानी को बोला था कि इसकी बातें हमारे कानों में चुभती है और ये बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग भी करती है। तो उसी के ऊपर एल्विस यादव का कुछ ये रिएक्शन था। शिवानी कुमारी ने लगाई अर्चित लक्ष्य एल्विस यादव की क्लास, कि शिवानी कुमारी के सामने लक्ष्य अर्चित ने मांगी माफी। ब्लॉग में हो सर आप? ब्लॉग में हो? अच्छा हेलो हेलो, क्या मैं कह रहा हूँ, ये क्या करके आये हो भाई तुम? भाई अब किसके घर जाऊंगा, कोई सामने से यूं कह रहा कि आपने मेरे को ऐसा बोल दिया, नहीं थोड़ी कहूंगा। हाँ ऐसा ही है, मैंने उसने, कहा तो सॉरी उसने, आपको बुरा लगा हो तो। उसने बुलाया था तुमको? जनता देखेगी मेरी की माफ करना है नहीं करना, अब कोई तुम्हारे घर पे आए तो। ये तो तुमने बेइज्जती करवाई है भाई। मैं तो समर्थक नहीं हूँ इस चीज में तुम्हारा। वो कह रही है अपने ब्लॉग में कि मेरी जनता देखेगी कि इनको माफ करना है नहीं करना। वो कौन होती है भाई माफी देने वाली, और तुम कौन होते हो माफी मांगने वाले? भाई देखो एक चीज है, अगर इन सब चीजों में लगे रहेंगे ना जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाई मुझे इतना पता है, इसके अलावा जिंदगी में और किसी चीज में लग जाएंगे तो आगे जरूर बढ़ जाएंगे। वेरी डिसअपॉइंटेड भाई। अब ये तो अब भाई वो बताओ ना, मैं किसी घर जाके क्यों थोड़ी भाई किसी के घर जाने क्यों है तुमने? अरे कटारे के साथ गए थे ना हम तो। अरे कटारे को बुलाया ना उसने? अच्छा कटारे की भी कौन सी इज्जत रख ली उसने? अरे अब ये सब व्लॉग में तो डालना मत, पहले ही हमारी हेट है 5-6 दिन। अरे हेट वेट कुछ नहीं होती, सारी अपनी पब्लिक है, तुम लोग गलत चीजें कर रहे हो भाई। अरे मेरे भाई एक मेरे को बात बता दो, मैं किसके घर जाऊँ? तुम मेरे को अच्छा 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 ठीक है सुनो, देखो तुम मेरे को लॉजिकली गलत प्रूव करके दिखा दो, मैं सॉरी मांगने को रेडी हूँ। करो बताओ, उसने तुझे बुलाया, तुझे और अर्चित को बुलाया? मेरी बात तो सुनो, कटारी सुनो, अब जैसे कि आपको कोई बुलाता है कहीं पे, तो आप ये कहते हो ना लक्ष्य वहाँ चलना है, हम चले गए ठीक है, वहाँ हम लोग गए। अब नॉर्मली एक बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ले लो दिनेश भाई को ले लो, दिनेश भाई वहाँ बैठे, हम दिनेश भाई के घर पे बैठे चाय भाई पी रहे, दिनेश भाई ने कहा यार हमारे अपने, शिवानी हमारी कुछ नहीं लगती, कटारे की जरूर लगती होगी, तुम्हारी कुछ नहीं लगती। अरे तो मैं कोई मेरे को कह रहा कि भाई आपने ऐसा बोला, अब मैं भाई बोला भाई मुंह से बोला ना हमने, तो मैंने भी तो बोला, मैं तो आज भी उन्हीं वर्ड्स पे हूँ कि मेरे को तो आज भी उसकी कचर कचर कान में चुभती है। तो भाई हम ऐसे तो बट तो अब यूं थोड़ा ना लड़ते रहेंगे भाई, उसने कटारे के लिए इतना। अरे मेरी बात नहीं समझे तुम? चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मानी कि तुमने जाके उससे सॉरी मांगी, जो कि अभी भी मेरे दिल में चुभ रही है। कोई बात नहीं, मांग ली कोई छोटा नहीं होता, बट उसने कौन सी उसके बाद भी तुम्हारी इज्जत रख दी? मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई, उसके बाद के वो उसके कर्म में भाई। ये कैसी बात है भाई हमारी तरफ? बहुत 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 गलत। अब मेरे बात बताओ, मेरा कर्म था उससे माफी मांगना, किसी घर में गया था, किसी घर बैठा था, मांग ली, वो ना कर रहे ठीक, खत्म काम, मैंने तो अपना कराना सही से। नहीं यार नहीं करना था, मैं बता देता हूँ, तुझे भी पता ही नहीं करना था भाई, तुझे भी पता ही नहीं करना था। बाकी आपका इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।